नमस्कार, आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे, इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो काफी समय से आप सभी की ओर से प्रतिक्रियाएं आ रही थी कि संकेतों की श्रृंखला में आपके लिए कुछ अद्भुत क्रमांक बनाए जाएं, तो आज का ये क्रमांक पुनः संकेतों की श्रृंखला के अंतर्गत है और आज के क्रमांक में हम आपको बताने जा रहे हैं चार ऐसे अद्भुत संकेत जो कि आपके अच्छा समय आने से पूर्व आपको मिलते हैं और ये स्वप्न स्वयं आपको ये बताएंगे कि आपका निकट भविष्य में भाग्योदय भी होने वाला है और काफी अच्छे समय से आप जुड़ने वाले हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ के हुए बात करते हैं इन चार अद्भुत संकेतों की। तो संकेतों की श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण ये भाग है, तो चारों संकेत आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये चारों संकेत यदि आपको मिलते हैं तो आप बिल्कुल सही हैं कि आपका निकट भविष्य में बहुत अच्छा समय मिलने वाला है। तो आइए बात कर लेते हैं पहले अद्भुत संकेत की ओर, जो कि आपको ये इंगित करता है कि आपका निकट भविष्य में बहुत अच्छा समय आने वाला है। पहले संकेत के अंतर्गत आपको एक बात सुनिश्चित कर लेनी चाहिए कि यदि आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं या कम पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन पूजा पाठ करते समय यदि आप ये बात काफ़ी समय से अनुभव कर रहे हैं कि जैसे ही आप पूजा आराधना करने बैठते हैं या आरती का गायन करते हैं तो उस दौरान आपका जो मन है, अंतर मन से आपको ऐसा अनुभव होता है कि आपकी आँखें भर आती हैं आंसुओं से, आपको ऐसा लगने लगता है कि जैसे कि आप पूरी तरह से प्रभु को समर्पित होने वाले हैं। आप जानबूझकर ऐसा नहीं करते लेकिन अंतर मन से आपका मन रुआंसा हो जाता है और आपकी आंखें पूरी तरह से आंसुओं से भर जाती है। तो ये सबसे प्रबल संकेत होता है कि आप ईश्वर की जो आराधना कर रहे हैं, आपका जो ईश्वर के प्रति विश्वास है वो ईश्वर को पूर्ण रूप से प्रसन्न कर चुका है और ईश्वर आप पर बहुत बहुत प्रसन्न है। आपकी कोई भी मनोइच्छा है जो आप ईश्वर के समक्ष रख रहे हैं तो यह मान के चलिएगा कि बहुत जल्दी निकट भविष्य में आपकी वो मनोकामना भी पूर्ण होने वाली है। ये चारों ओर से खुशियों का समागम लेकर आपके जीवन में अवतरित होने वाला है। ये वो संकेत है जो बहुत कम लोगों को मिलता है, लेकिन जिनको ये संकेत आता है उनके जीवन से आप एक बात समझ लीजिएगा कि उनके जीवन का जीर्णोद्धार प्रभु स्वयं करना चाहते हैं। और ऐसा संकेत एक और इशारा करता है कि यदि काफ़ी समय से आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही थी, जो कर्जवान आप हो गए थे या किसी भी प्रकार के संकट और कष्टों से आप जूझ रहे थे, बहुत बहुत शीघ्र आपके जीवन से ये संकट अब प्रभु हरने वाले हैं। ईश्वर की वो कृपा आपको जीवन में मिलने वाली है जिसका आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया। तो ये अगर संकेत आपको मिल रहा है तो आप पहले से ही अपने मन को प्रसन्न करना प्रारंभ कर लें, क्योंकि ये संकेत आपका भाग्य पूरी तरह से बदल देगा और आपके जीवन में चारों ओर से खुशियों की लहर लेकर आएगा। तो यह था पहला अद्भुत संकेत। अब बात करते हैं दूसरे उस अद्भुत संकेत की जो कि आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने में सक्षम है। अब दूसरे संकेत की ओर मैं आपको लेकर चलता हूं। ये संकेत स्वप्नों की श्रृंखला के अंतर्गत भी आता है और अपने आप में एक प्रबल संकेत भी है। देखिए, स्वप्न जो होते हैं वो हमारे निकट भविष्य के लिए हमको पहले से ही सावधान कर देते हैं, पहले से ही हमें अनुभव करा देते हैं कि जीवन में थोड़ा सा सतर्कता के साथ चलने की आवश्यकता है। तो ये एक संकेत ऐसा है जो कि स्वप्न में यदि आप देख लेते हैं तो आपको सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अब आपका जो समय है वो पूरी तरह से बदल के बड़े ही सकारात्मक प्रभावों में परिवर्तित होने वाला है। इसमें स्वप्नों के अंतर्गत अगर आप एक चीज का अनुभव कर रहे हैं कि आपने देखा है कि एक उगता हुआ सूरज जो कि पूर्ण रूप से प्रकाशमान है और पर्वत की चोटियों के बीच से सूर्य का उगता हुआ दृश्य आप स्वप्न में देख रहे हैं और इस स्वप्न के अंतर्गत भी आप अपने मन को ऐसा अनुभव कर पा रहे हैं कि जीवन में इससे अच्छा सुख, इससे अच्छी प्रसन्न अवस्था शायद ही कोई हो सकती है। फिर से मैं आपको बता दूं, स्वप्न में यदि आप ये देख रहे हैं कि सूर्य का उगना जो कि बहुत प्रकाशमान होकर अवतरित हो रहा है तो आप ये जान लीजिए कि ये उगता हुआ सूरज कुछ और नहीं बल्कि आपका सोया हुआ भाग्य है जो कि अभी तक एक अंधेरे में पूर्ण रूप से ढका हुआ था, पूरी तरह से स्वप्न की अवस्था में था, लेकिन अब ये जागृत होने वाला है। जो उगता हुआ सूर्य है वह
कुछ और नहीं बल्कि प्रतीक है आपके सोए हुए भाग्य के जागने का। और ये स्वप्न किन को आता है मैं बता भी देता हूं। ज्यादातर ये स्वप्न आता है जो छात्र काफी समय से किन्हीं परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे हुए थे। ये स्वप्न उनको आता है जो अपने व्यवसाय में काफी समय से बहुत कष्ट झेल रहे थे, जिनके जीवन में धन का आवागमन तो होता था लेकिन धन रुकता नहीं था। ये स्वप्न उन कन्याओं को आता है जिनका विवाह काफी समय से, विवाह की चर्चा तो हो रही है लेकिन विवाह लटका हुआ है और विवाह में बड़े ही संकट आ रहे थे, विवाह तय नहीं हो पा रहा था। ये संकेत, ये स्वप्न उनको भी आता है जो काफी समय से कर्ज की स्थिति में डूबे हुए थे, भाग्य से और कर्मों से बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनके जीवन में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। और ये स्वप्न उन लोगों को भी आता है जो काफी समय से कोई मनोइच्छा अंतर मन में दबा के बैठे थे लेकिन उसका कोई पार नहीं मिल पा रहा था। तो ये स्वप्न अपने आप में इतना भाग्यशाली है, उगते हुए सूर्य को देखने का आशय यह है। स्वप्न शास्त्र के अंतर्गत भी बताया गया है कि ये स्वप्न पूर्ण तौर पर आपको ईश्वर की तरफ से प्रदान किया जाने वाला वह वरदान है जो आपको ये इस ओर इंगित करता है कि निकट भविष्य में आपका पूरा भाग्य बदलकर अब नई दिशा की ओर मार्गदर्शित होगा। ये स्वप्न यदि आप देख लेते हैं तो एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको एक चीज का बहुत बहुत ध्यान रखना है। इस संकेत के अंतर्गत एक सावधानी भी है। यदि आपने उगते हुए सूर्य का स्वप्न तो देख लिया है लेकिन कुछ आदतों में अगर आपने बदलाव नहीं किया तो ये स्वप्न आपका व्यर्थ हो जाएगा, इसीलिए आपको एक सावधानी रखनी है। इस स्वप्न को देखने के पश्चात आपको दो चीजों का त्याग करना है। पहला, अगर आप जीवन में झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलने की आदत को पूरी तरह से छोड़ना होगा। कुछ समय के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये आदत स्वरूप में आप बना लें कि जीवन में झूठ बोलना छोड़ दें, क्योंकि जब आप झूठ बोलते हैं और इस स्वप्न के अंतर्गत ये सोचते हैं कि भाग्य बदल जाएगा तो आपका ये स्वप्न खराब हो जाएगा, क्योंकि इसका आशय जो था, इसके जो मायने थे वो आपने कम कर दिए। इसके अलावा दूसरी सावधानी ये रखनी है कि जीवन में जो आय व्यय का ब्यौरा है वो आपको अपने पास रखना होगा, क्योंकि इस स्वप्न के अंतर्गत आप जहाँ पर भी निवेश करेंगे अगर उस निवेश को सावधानी पूर्वक नहीं करते हैं, यूं ही कर देते हैं, तो वो निवेश भी आपका डूब जाने का खतरा उस पर बना रहेगा। तो इसलिए इन दो सावधानियों को करिएगा, दो सतर्कता को बरतिएगा, निश्चित तौर पर आपका भाग्य आपका पूर्ण साथ देगा, निकट भविष्य में आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अब बात करते हैं उस तीसरे संकेत की ओर जो कि आपके भाग्य में आपको मार्गदर्शित करता है। अब जो ये तीसरा संकेत है ये अपने आप में बड़ा ही विशिष्ट है। इस स्वप्न के अंतर्गत ये सृष्टि आपके जीवन में पूर्ण रूप से प्रभाव डालती है। अब देखिए, प्रभाव ये सृष्टि कैसे डालती है, एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि हम इस सृष्टि के साथ पूरी तरह से बंधित अवस्था में हैं, हम किसी भी प्रकार से इस सृष्टि से अलग नहीं होते और समय समय पर ये सृष्टि हमें संकेत भेजती है। जो उन संकेतों को सही से उनकी गणना करता है और जीवन में उसके अनुरूप व्यवहार करना सीखता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता। लेकिन बात है संकेतों की, तो आप जान लीजिए वह संकेत जो आपके लिए जरूरी है, वो संकेत है कि ब्रह्म मुहूर्त में यदि आपकी निद्रा 3 बजे से लेकर 5 बजे तक के इस काल के अंतर्गत खुलती है तो आप ये मान लीजिए, और ऐसा अगर लगातार अनुभव कर रहे हैं, देखिए कभी कभी की बात तो अलग है लेकिन संकेत ये तब माना जाएगा जब लगातार कई दिनों से आपके साथ ऐसा हो रहा है कि 3 बजे से लेकर 5 बजे तक के समय काल के अंतर्गत आपकी नींद स्वतः ही खुल जाती है और नींद खुलने का आशय ऐसा है कि जैसे आपकी नींद पूरी हो गई हो। तो ये सृष्टि आपको इस ओर संकेत दे रही है कि ब्रह्म मुहूर्त में आपकी निद्रा तो खुल जाती है लेकिन यहाँ पर आपको एक छोटा सा उपाय और करना है। जो प्रार्थना, जो मनोती आप ईश्वर के समक्ष कहते हैं, हर व्यक्ति की मनोकामनाएं हर व्यक्ति अलग प्रकार से उसको प्रदर्शित करता है, उसको बताता है। तो जो प्रार्थना आप ईश्वर के समक्ष कहते हैं, इस ब्रह्म मुहूर्त में जब ये सृष्टि आपको जगा देती है उस दौरान आपको अपनी प्रार्थना को हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना स्वरूप में कहना है। चाहे तो आप शब्दों स्वरूप में कह सकते हैं, चाहे आप अंतर मन से ही कह सकते हैं, यानी कि बिना आवाज किए मन ही मन में कह सकते हैं। आपकी प्रार्थना यदि इस काल के दौरान आप ईश्वर तक प्रेषित करते हैं, इस ब्रह्मांड तक प्रेषित करते हैं, तो आपकी उस मनोकामना को पूर्ण होने में जितना समय लगना था पहले उससे कई कम समय आपको लगता है और आपकी वो प्रार्थना जो होती है ईश्वर तक
बड़ी ही प्रत्यक्ष स्वरूप में पहुंच जाती है और बहुत जल्दी आपके जीवन में वो आकर्षित होकर आपकी मनौतियों को, आपकी मनोकामनाओं को ईश्वर पूर्ण कर देते हैं। मैंने आपको बहुत ही व्यवहारिक तरीके से इसको समझाया है, बहुत आसान तरीके से समझाया है। तो जिन भी लोगों की निद्रा जो है वे ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है, लगातार काफ़ी समय से ऐसा हो रहा है, तो यह एक बड़ा ही प्रबल संकेत है जो कि सृष्टि आपको भेज रही है कि जल्दी ही आपका अच्छा समय आने वाला है। जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे थे वो समय आपको अब जीवन में जल्दी ही प्राप्त होने वाला है, तो थोड़ा सा जागृत हो जाइए। अब बात करने जा रहे हैं चौथे सबसे महत्वपूर्ण, इस क्रमांक के सबसे महत्वपूर्ण संकेत की ओर, जो कि साधारण भी है और अपने आप में विशिष्ट भी है। तो आइए जान लेते हैं वो चौथा संकेत कौन सा है। अब जो चौथा संकेत है ये सबसे ज्यादा साधारण भी है और बहुत विशिष्ट भी है। ये सबसे महत्वपूर्ण संकेत है कि आपका जहां पर भी निवास स्थान है, जहां पर भी आपका गृह स्थान है, वहां पर अनायासी अचानक ही जैसे अतिथि आते हैं, ऐसे ही अतिथि के तौर पर पशु पक्षियों का आपके गृह स्थान पर आना अपने आप में एक संकेत होता है कि ईश्वर आप पर बड़ी ही कृपा करने वाले हैं। क्योंकि पशु पक्षियों का घर के अंदर आना, देखिए प्रांगण में आना अलग बात है, गृह स्थान पर जो आपका कक्ष है वहां पर मान लीजिए बहुत से पक्षी आ जाते हैं, कई बार चिड़िया स्वरूप में या किसी भी अन्य पक्षी स्वरूप में आपके घर के अंतर्गत वो आ जाते हैं, तो समझ लीजिए कि यह अपने आप में एक बड़ा प्रबल संकेत है। क्योंकि पशु पक्षियों का गृह स्थान पर आना, पितर देवताओं का घर पर अवतरित होना भी एक बड़ा अद्भुत संकेत माना जाता है। क्योंकि जो पितृगण होते हैं वो किसी भी स्वरूप में आपके गृह स्थान पर आ सकते हैं, और सोचे कि अगर आपके पितृगण, आपके इष्ट देवी देवता आप पर प्रसन्न हैं और वो आपके गृह स्थान पर अतिथि स्वरूप में आते हैं, तो और आपको अगर ये जानकारी मिल जाए तो आप सोचिए कि आप कितना आदर सत्कार उनका कर सकते हैं। यहाँ पर बात आती है कि आपको करना क्या है ऐसे में। देखिए आना अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप ये देख रहे हैं कि काफ़ी समय से ऐसा हो रहा है कि पशु पक्षी आपके गृह स्थान पर आकर रुक जाते हैं और आपके कक्ष के अंदर भी आ जाते हैं, तो आप उनके लिए किसी भी प्रकार के, जैसे चावल के दाने हो जाएं, दाल के दाने हो जाएं, तो किसी भी प्रकार का सूक्ष्म भोज्य पदार्थ उनको अवश्य दें। उससे क्या होगा कि अगर वो किसी प्रार्थना स्वरूप में आए हैं या किसी इच्छा स्वरूप में आए हैं और आपके घर का भोजन प्रसाद यदि वो पाते हैं, तो अपने आप में आपके लिए ये बड़ा लाभकारी हो जाएगा। क्योंकि इससे आपको एक संतुष्टि मिलेगी कि आपके गृह स्थान पर आके कोई भोजन पा के जाए तो वो प्रसाद स्वरूप हो जाता है उनके लिए और आशीष स्वरूप हो जाता है आपके लिए। तो ये अपने आप में बड़ा विशिष्ट संकेत है। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। चारों संकेत पूर्ण हो गए हैं। आशा करते हैं ये चारों संकेत आप सभी को भी प्राप्त हों और आपका भी भाग्य प्रबल हो और निकट भविष्य में आपके जीवन में चारों ओर से सुख समृद्धि की आपको प्राप्ति हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार सभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो, सभी को सन्मति प्राप्त हो, इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो, इस संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।